सभी श्रोताओं थे विनय ध्यान छोड़ बेटी की नमस्कार आज कार्यक्रम मेजा जनपद चमोली को नंदा नगर ब्लॉक और वको को घूनी रामी घुनी बो राम ये जन समस्याओं और विकास का कार्यक्रमों पर आधारित हमारा आज को हमारी खैरी कार्यक्रम चला घुने रामणी श्रोताओं हमारी खेरी कार्यक्रम लेने का खातिर आज में जनपद चमोली को दूरस्थ क्षेत्र घूर्णी पहुंचे जो की नंदा नगर ब्लॉक को एक क्षेत्र छुर्णी रामी का आप पता चल रामणी का नजीक एक गांव गांव और ये गाँव छत यह जन रामणी घुर्ण रमणीक बोले गया तन घूर्णी भी कम नीचे और यक भी बहुत सारा लोग अपन जीवन यापन अपन खेती बाड़ी से कनाछन तमाम समस्याएं और विकास का कई कार्यक्रम यख होने न तो चुके यूणिन तगुच का, का लोगों की बात सुने जा आवा गाँव को परिचय और गाँव का बाबत हौर जानकारी हम हासिल करता नमस्कार आप अखन क्या चेक नाम पांडे और ये गाँव छो घूनी अब घूनी में हम और क्या परिचय ले सकता कतना मोह वाली कतना जनसंख्या होली भाई जी यख गाँव तो हमारे बहुत बड़ो छ छो को क्षेत्रफल बहुत बड़ो छ लगभग छीन से चार हजार लगभग वोटर छ

कि स्कूल पर मास्टर नहीं अच्छा रोड छ पर रोड भी स्थिति में छ कि जन सुबह हनुमान चालीसा पढ़ दो पढ़ दू, जान पढ़ दो बजा है कि एक की स्थिति कि गौ अधिक से ज्यादा लोग जो पास पैसा पाई वो लोग यक बटिन पलायन कर गए अब जो विचारों की स्थिति एन वो यखी गाँव मा और गाँव की स्थिति भी कि गाँव यू मथी छ और गाँव का मोड़ी जो छ कि खनन माफी पूरा खनन कहूँ प्रत्येक मकानों पर युगों गौ माँ दराड़ेगी और ये गौ कभी भी ये गौ एक दिन यन छ दो चार पाँच दस साल में ये गौ पलायन का तरफ अस्तित्व को सवाल छ एक गौ को सच में अस्तित्व खत्म हो जाए अगर ये तरीके से खनन यक खड़िया को काम हम सुनी जानी और देखी लगातार ये गौ माँ जब पलायन की स्थिति हो जाए तो फिर आखिर कारला क्या लोग कक जाला क्या कारला भाई साहब जान कक कक जान अपन कोई सरकार कोई सुन दो नहीं आजकल सपो को अपनों ठेकेदारों को सपी जो जनप्रतिनिधि सपो का अपनों खिस्सा भरिया जिन हमारे विषय मकबूण हमारी जनता का विषय को दुख दर्द सरकार तक पहुँचाणू वो पहली जो थे कि अपनों खिस्सा भरी के बैठा और बाकी जो गरीब परिवार छोड़क जान देहरादून वो जान मीडिया मुँह वे का जान कख वो अपनो बच्चा पाल लूँ अपो रोजगार कर लूँ कि नेतागिरी कर लूँ डॉक्टर पांडे बहुत सुंदर बोना छन आप लेकिन आ, बोल दें कि खैरियो का बीच में कहीं जरिसे मुस्कुराहट की भी बात हो जान जी जी।, जी। खुशी भी छेचन जिगुड़ता है थमथाना बहुत कुछ भी हमारे पास तो ये गाँव की खासियत क्या है हमारे गाँव की खासियत हमारे गाँव में तो भाईजी ये तो घुनी रामणी तो पूरा उत्तराखंड को साहित कोई व्यक्ति या बोलू की जो घुनी रामणी का विषय मन जान दो बोलू यक देखा कि यख हमारे नंदा देवी को क्षेत्र छे। नंदा देवी की जात जो जांदी वो यखी बटिन जांदी यक बटिन भी एक रास्ता छे दूसरे नोटी हुए की और बारह वर्ष की जो जात जाक बटिन लार्ज करजन रोड छे बटिन लोग टूरिस्ट भी जाना यकबटिन और यख यक अगिने जोला तो यख सप्त कुंड ट्रैक भी छा देवांगन भी छ देवतों को आंगन बढ़े ये दीप भूमि छ पवित्र भूमि ये शास्त्र में एक यख हमारे एरिया ते बद्रिश खंड में लिख भाई जी लिख्यों की यो जो एरिया है यो जो स्थूल बद्री क्षेत्र में मा मान बद्री नारायण का स्थूल बद्री क्षेत्र में मूँ ये पवित्र भूमि छा बद्रिश के ही भूमि बेटी गाँव का लोग धय लगाना छन कि हे बद्रीनाथ हमारे भी सुनल वाल और तभी हम ये गाँव में पहुँचा और सच में माता बेणियों से अब बात कर ला डॉक्टर पांडे से बाद में भी हम बात कर ला कि विकास की क्या संभावना हो सकते हम तो ये जो प्राकृतिक सुरम्यता है वही माँ हम तो पर्यटन का क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी संभावना नजर आनी छ लेकिन हाँ सड़क की बात जब आपन बोली वहीं सड़क बटे हम भी आना चाह और सच माँ खैरी आ गया इन जरे से किलोमीटर लेकिन घंटों को सफ़र शायद आने वाले समय में ये कुछ ठीक ठाक होलु लेकिन ये बात महिला मंगल दल की कुछ माता बसंती मा तो बस देवी मेरे पति का नाम राजेंद्र सिंह गांव का नाम आपको सदस्य चालीस पचास दगड़े महिला मंगल दल में और विकास भी ठीक होने हमारे गांव में इंटर कॉलेज स्कूल भी छ आ ये स्कूल में हमारे टीचर ने बच्चा बहुत परेशानी छाई नहीं होने घूमने जख तक है फिर पढ़ाई नहीं होने गुरुजी भी नहीं अपन स्कूल बात कर लेकिन दीदी भूल बात नहीं करा स्वास्थ्य सेवक क्या हाल छा की माता बहनी सबसे ज्यादा पहाड़ में दुख दर्द से परेशान छे अगर आप ये सोचना छड़ बुखार प्रसव पीड़ा गए कख जन आप बीस किलोमीटर दूर घाट, हाँ। सड़क से? घाटन दूर से सड़क अच्छा एक बार बताओ आप आपको महिला मंगल दल क्या, -क्या गाँव में विकास का कार्यक्रम कर दे क्या क्या हुन? क्या क्या हमारे गाँव में सा गोर भैंस देख छोटा बच्चा देखो बुढ़िया महिला अच्छा एक आंगनबाड़ी आदा एन एम अर एएनएम आके करदु कुल्स भरी सुगिरी म महिला मंगल दल के अध्यक्ष दगड़ उ घर दगड्याण में सुन उ भी हु हु काना <laughs> पूछ लेना आपकनो के छ मेरो नाम श्रीमती बीना देवी रोड दिक्कत छ और यो महिला जोर बुखार आले जाने दिक्कत भनी

पाल हाँ, ये गने, बाल पाटा, चेजने, अकतना दिन रोजक जा जीवन, चे, और जीवन चे। अब सवाल ये की सरकार योजना बल गाँव का विकास का खातिर और खास कर महिलाओं तय ध्यान में रखे की योजना बन दे सरकार योजना को लाभ आज तक घूमने की महिलाओं तक मिल एक नहीं � ना योजना कुछ ही न कभी ना कभी नहीं मिल हर चीज में तो जो जनप्रतिनिधि ना। <laughs> ना तो तो ना। ना, ना। आज आप के बात पूरी सरकार ऐसी और शासन तक जानी अब आप बताओ के चढ़ू आप गो माँ के करे जा की जो महिलाओं को विकास हो हम पहले बच्चों में मचे मास्टर पहले जो बच्चे सुरक्षा पढ़ाई और हॉस्पिटल

चला यखा का लोकु से होरी यखा की बात सुन ला नमस्कार आप अग्नो क्या चे मेरे नाम बद्री प्रसाद पांडे चन बल के एक बताओ जो आप तक हमन सुने कि ये गौमा क्या खेरी चने क्या होनु चे आप क्या जोड़न चला ये माँ के होर क्या चे? हमें चाहने कि ये गोम जब ये थी बड़ो गोम से सरकार ते अर भी एक लास्ट गोम से यम्बे � तो कि तीन चार हज़ार एक है जनसंख्या से चे वोटर छ तो इन गाँव पर सरकारक थोड़ा ध्यान जरूरी होर छह विकास रोड तो रोड भी ये गोँव शुरुआती में यखूँ तक जख्म तक आप लोग पहुँचे यखीमू तक रोड से यख ये बेड मुँह तक से एक बेटी कम से कम दस किलोमीटर गाँव एरिया से दस किलोमीटर में से ये गाँव को एरिया एक बेटी पैदल जान जानपण दो थी तेरबाट दूसरी रोड पकड़ो कभी कभी कोई अस्वस्थ मरीज या डिलीवरी लेडीज को कोई पालकी वगैरह में भी ले जान पड़ तो विकास का मामला में मा यख जीरो खनन हर जगह खेती बाड़ी जो थोड़ा बहुत कृषि से खेती बाड़ी बचे और mm. खेती बाड़ी करना चाहू महिलाएँ अपन रोजगार गरीब सभी तो पलायन निकल जो थोड़ा रोजगार कर लो लू भारती नौकरी कर लो लू तो चलो अपना बच्चा पर ले जाकर पलायन कर लो mm. बाकी अभी भी यख लोग अपना खेती बाड़ी पशु किसानी पर निर्भर अब वो खेती भी खनन में चल जाएल तो अगर भविष्य तो कोई चीज बचलू नहीं और धीरे धीरे गाँव के विकास तो दूर से विनाश की ओर से विकास बटे की और विनाश तक की यात्रा घूनी जो की एक पुरानो गाँव छो गाँव अस्तित्व की लड़े लड़नु छे एक तरफ हम देखना चो हाँ खनन को काम से यख का खातिर सुरक्षा को सवाल बढ़ना चे और वक्य हम ये देखना चाहा कि यखक मूलभूत समस्या जो सड़क च वे का हाल बड़ा बुरा छन माता बहनों का समय में भी स्वास्थ्य सेवाओं की लाचार स्थिति है और ये का बात भी यज स्कूली शिक्षा की बात जब हम करता तो लघुच्च के हाँ साहब स्कूल तो लेकिन मास्टर नहीं छन ये कुछ खास खास जन समस्याएँ और एकदार फिर हम महिला मंगल दल के सदस्यों से बात कला कैला कि खैरियों की छुईं विकास की छुई, छुई होनी रह लेकिन महिला मंगल दल अपनी खैरियों तय कहीं ना कहीं अपना भजनों में अपना लोकगीतों में नगाते आ साडा झितुवा सोरा रुपियाँ लानु के राम पारा बु राम काखा गायो मेरो भाइ आज भाइ अन मेरो बोलो भाइ अन मेरो मिनिरमाथि धियाणा छन काखा गय मेरो भाइ बला बला फोन गी वा दुड डाली भरूलाइ हाम छोटा मोटा फोन गीत दादु त्यो राम केमा पराबु राम बहुत सुंदर कखी न कखी ईश्वर की बात भगवान की बात और जन की पांडे जी ने बोल ये देव भूमि बटक सच माँ ये लोग भगवान पर रखे आचन कि कन ये ऐतिहासिक गो था हम बचा सका यक बटक पलायन की समस्या नहीं हुआ आवाज आवाद नीचे न ऊपर सरकार ध्यान देनी छे और जो गौ आवाज छन जो पलायन निकना छन वो तरफ आ बुनिया छन तो ये गौ बटे की हमारे यही शासन तय कि भाई देखा एक इतन सख्त गौ वे गौ का समिणमा अगर जीवन से जुझने की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी होनी तो ये सवाल ठीक नहीं छाए कि एक तरफ आप बुनाछ गौम पलायन कर जो गौ माँ छ तो रोका गौ माँ ये गांव यानी जो की ऐतिहासिक गांव जो जनपद चमोली को नंदा नगर ब्लॉक को घूनी वे एक माँ विकास की क्या संभावनाएं छद फिर पांडे जी का पास डॉक्टर पांडे क्या देखना चाह हम कि कनके की विकास हम ये क्षेत्र को कह सकता और क्षेत्र की जनता की मांग क्या छन सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाह दो यज्ञ की मूल समस्या छ स्वास्थ्य की मैं देश विदेश में पंडिताई कर दो और मेरी माँ रह गां मेरी माँ को अंतिम चरण तो में मेरी माँ ते स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल जाए तो मैंने अपनों में कथा कर दूँ मैं अपनों पंडिताई कर दूँ तो मैं तो कथा माँ से जो दी चार रुपया बजदा छ तो डेढ़ साल तक मैंने सुख दुख सेवा चलाई एक पैंतीस किलोमीटर दूर पढ़ दो दू, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर कहते हैं बुखार एगे कोई डिलीवरी अगर छ तो पैंतीस किलोमीटर जानपुन करीबन एक यक बट जाता 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 ये रस्तों देख करनी तो लगभग हमते लगभग ढाई घंटा लग जाऊँ ढाई के तीन घंटा तो मेन यक जो कि की, जो कि की की लोकल गाड़ियों में यु सुविधा बने बन कि तबियत खराब होली तो यो ड्राइवरों ते फ़ोन कर लूँ और यू तुरंत जो कि बुकिंग नहीं लिया दुई हजार रुपये पर्दा यक बुकिंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने तक तो डेढ़ साल तक मेन चलाई पचास लगभग यक डेढ़ सौ से दु सौ जो विधवा नोनी भी है यक भी बुढ़िया लोग जोंगते दवे ने यक मेर बती जो फार्म, तो एक छोर भतीजो फार्मासिस्ट छ तो निःशुल्क पाँच पाँच सौ रुपये की दवाई की व्यवस्था भी मेरे अपलू गोमा करी करी यक शिक्षक को कोई कुछ भी नहीं मास्टर नहीं बच्चा लोग स्कूल जाना और मास्टर नहीं तो बच्चा वी कोई बीड़ प्योण सूखड़ू कोई कुछ नशा कौन सीखड़ू अब लोग उन जो सक्षम लोग छन हम जन लोग छन जब हम यजबिन सिर्फ मात्र मातृभूमि से जुड़ाव छ पर बाकी औरों को कोई जुड़ाव नहीं यजबटिन ये समस्याओं का दगड़ी हम विकास की संभावनाएं ढूंढना सरकार से क्या मांग छे क्या हम चाहना चाह कि ये गाँव को विकास हो सकता सरकारी सरकारों के गाँव से पलायन न हो तो सबसे पहले सरकार ते गाँव स्कूल मजबूत कर्ण पड़ ली प्रत्येक गाँव माँ स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा स्वास्थ्य केन्द्र खोल पढ़लु और रोजगार का वास्ता गाँव भी य रोजगार देने पड़लू जो गाँव का मन की कर सको घूणी गाँव माँ परम्परागत वेशभूषा माँ हमार दुई माता बहणी यखमा पहुंची बुजुर्ग छहेश देवी आषाढ़ी देवी ये दुई लोग बाद में जुड़ना और हम के सांस्कृतिक धरोहर तय यख का गीतों तय ये कार्यक्रम में शामिल कला

लो लो परंपरागत लोक गीतों का दगड़ी जब हम विकास की बात कर दा समस्याओं की बात कर तो में सरकार पर एक सवाल जरूर खड़ू कि जो लोग और जो गांव समृद्ध कम से कम ऊंक बाच जरूर सुना नंदा नगर ब्लॉक को गौ घूणी बैठे के आप में यही कामना का दगड़ी वापस लौटूण कि एक ना एक दिन औ समय में यखा का जन प्रतिनिधि और यखा का लोग दुआ बात था समझला कि एक पौराणिक गौ को अपना एक महत्व ऐसी वो एक विकास जरूर हो शासन और प्रशासन इन तरफ ध्यान जरूर दिया इन हमारे भी कामना चाहिए उम्मीद का दगड़ी मैं वापस लौटूण चाहू નંદગર કો ગો ઘૂણી આપણ આકાશવાણી સ્ટુડિયો